14 देखिए। At some time of the day, the length of shadow of a tower is equal to its height. Then the sun altitude at its time is. तो sun का जो angle है, जो altitude है, angle of elevation है, वो कितना होगा? ऐसा कह सकते हो आप। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास एक tower है। यहाँ पे कहीं sun है आपका, और ऐसा time है कोई कि जो length of shadow है, मतलब length of tower है, वो अपनी shadow के equal आ रहा है। So I must say this is C. तो ये AB और AC आपके इक्वल हैं। पोल ऑब्वियसली 90 डिग्री पे होगा, तो सन का एल्टीट्यूड ये थीटा हमने मान लिया है। यहां पे कंडीशन ये दे रखी है कि आपका जो BA है वो AC के इक्वल है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। उसकी जो शेडो यहां पे बन रही है वो उसकी हाइट के इक्वल है। तो अब मुझे ये थीटा निकालना है। इन ट्रेंगल बी ए सी में ले लेता हूं, इन ट्रेंगल बी ए सी, आप समझो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। मुझे ये दोनों साइडें दे रखी हैं, तो मैं इनको ही यूज करूंगा। बी ए अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टेन, दैट इज थीटा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं ए सी बी ए की जगह ए सी लिख सकता हूं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया वन। टेन वन कब होता है आपका? टेन वन होता है 45 डिग्री पर। अगर इन एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? 45 डिग्री के, यानी उस टाइम पे जो सन का एल्टीट्यूड है वो आपका 45 डिग्री होगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।